तो आज लगी हुई है दोस्तों गाड़ियों की यहाँ पे पूरी की पूरी भरमार, और इनका महामुकाबला होने जा रहा है इस मड में से। सामने आप मड देख रहे हो ना, इस मड में से महामुकाबला होगा इनका। जो इस मड को पार करके वो उन पेड़ों के पास पहुँच जाएंगे ना, ये वाली अपने झंडी गाड़ रखी है, झंडी नहीं मतलब पेड़ मानो, जो यहाँ तक पार करके जाएगी वो अपने फेवरेट लिस्ट में जाएगी, और उसको हम यहाँ से ले लेंगे और अपने पास रख लेंगे, जो गाड़ी अपने को ये जो मड पार करवा के देगी। ठीक है, फिर उसके बाद और भी टेस्टिंग करेंगे, इधर टेस्टिंग वाले और भी हैं अपने पास। सबसे पहली गाड़ी दोस्तों इधर खड़ा है, ये वाला ट्रक का, इनके आपको मैं नाम बताता हूँ यहाँ पे खोल के। सबसे पहले अपने टोयोटा लैंड क्रूज, ये है 2018 मॉडल, ठीक है, फर्स्ट जो है ये सेकंड में खड़ा है। उसके बाद दोस्तों अपने पास जो फर्स्ट नंबर पर गाड़ी खड़ी है, ये है आर एंड आर है, सॉरी, ये कस्टम वॉरियर, ठीक है, इसका नाम है जो कोई। फिर है हमारे पास हमर H2, फिर है टोयोटा टकोमा TRD, फिर उसके बाद OBS क्रू 3500, ये तो आपको पता ही, अपने पास गाड़ी है बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर है टाटा का ट्रक, ठीक है, टाटा का 4x4 ट्रक है अपने पास, 1210D का। फिर उसके बाद है बॉक्स, ये तो इधर खड़ी, चलो ये बकवास है, ये नीचे लेके आए अपने, वो तो खड़ी उधर गैराज में खड़ी है, वो नहीं लाए। फिर है टोयोटा की लैंड क्रूज 1984 मॉडल, ठीक है, ये देखना बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है। उसके बाद है लैंड रोवर डिफेंडर, ठीक है, ये आगे इसके इंजन है। फिर है Z2 ट्रक, एक बड़ा ट्रक है, आर्मी ट्रक है, इसकी ट्राई भी करेंगे। उसके बाद है BMW X, जो अपने पिछले एपिसोड में निकाली थी, ठीक है। तो इतनी गाड़ी अपने अभी एक बार मैं ला पाया हूँ, क्योंकि ये कोई 1 GB की थी, कोई कितना था ये वाली, कोई आसानी की वाली बात नहीं। तो जितने मेरे से डाउनलोड हुए मैंने ये सारे के सारे इसमें लगा दिए, और इनकी अब टेस्टिंग होगी बहुत बड़ी। सबसे पहले अपने इस गाड़ी को लेकर चलेंगे अपने, क्या दूसरी गाड़ी में बैठेंगे, अब से अपने लैंड रोवर में बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है, लैंड रोवर में, लैंड क्रूज में, सॉरी। तो यहाँ पे करेंगे अपने चेंज ट्रक, और अपने उस पे जाएंगे R&R कस्टम वॉरियर में। सबसे पहले अपनी ट्राई इसी की लेंगे। तो ये इसका जो मोड है थोड़ा सा कम ही काम करता है, क्योंकि इसके जो साउंड है ना रुक रुक के आते हैं धीरे धीरे। तो ये गाड़ी वैसे तो मैं लाने वाला नहीं था, बट फिर भी मेरे को ये अच्छी लगी गाड़ी में, इसलिए मैंने इसका मोड जो है लिया है। ये देख लो स्टार्ट मैंने कब की किया, ये अब चल रहा है। तो ये कोई भी मोड लगाए ना इसका, अब ये देख लेना R&R कस्टम वॉरियर। तो इसके बाद का ये ध्यान रखना है कि इसके साउंड है ना जो बिल्कुल कम आते हैं। अब इसकी टेस्टिंग होगी यहाँ पे, तो टेस्टिंग के लिए 1 2 3। तो चलो भाई, गेम प्ले अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है, लाइक की भरमार नहीं रुकनी चाहिए। ऑल व्हील ड्राइव इसके ऑटो है, जो है उसका डिफलॉक इसका वो भी ऑटो में है। ये देखो कैसे जा रही है यार, ये तो लगता है पार कर जाएगी। यहाँ पे अपने दूसरा विंच का भी सहारा ले सकते हैं, अगर विंच अपनी लंबी हुई अपने विंच का भी सहारा ले सकते हैं। देखो कैसे निकली, यहाँ पे गड्ढा है, अपने गड्ढों में से नहीं जाना, एक बात को अपना ध्यान रखना है, गड्ढों में से नहीं जाना। देखो भाई कैसे जा रही है, इसका आपको हॉर्न सुनाऊँ, ये देखो बंदा उल्टी कर रहा है जैसे, ऐसा इसका हॉर्न है, बड़े बकवास है, इसलिए मैं ये लेना तो नहीं चाहता। बट इसकी जो शेप थी ना मेरे को अच्छी लगी, जब मैंने डाउनलोड करा तो मेरे को शेप जी अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने इसको डाउनलोड किया। बाकी मेरे को ये पसंद बिल्कुल नहीं है गाड़ी, क्योंकि इसकी कोई आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं है, इंजन स्टार्ट जब करते हैं तब नहीं होता। ये देखो भाई निकल जाएगी क्या, अगर निकल जाएगी ना ये वाली तो लाइक कर देना। उसके बाद अपने लेके आएंगे, ये देखो फंस गई ना, इसलिए भी यहाँ पे फंस चुकी है अपनी गाड़ी। अब देखते हैं ये निकल पाती है या नहीं निकल पाती है। अगर ये हैवी, देखो ये बता रहा है इसका लेवल जो है इंजन का लेवल है ना, अगर उससे ऊपर पानी चला गया ना फिर ये इंजन किसी काम का नहीं रहने वाला। अभी अपने हाई, सॉरी, लो प्लस में लगा के देखें क्या इसकी विंच नहीं लंबी, इसका एरिया कितना है विंच का, इसका एरिया इतना है लगभग, पर अपने यहाँ पे होते ना फिर इसको अटैच कर लेते तो ये बाहर निकल जाती। तो ये अपनी रही है फेल, R&R कस्टम वॉरियर, ये बिल्कुल फेल है। तो अपने चलते हैं हम नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। तो यहाँ पे अपने पास दूसरी है दोस्तों, ये कौन सी थी, इसका बाहर का इंटीरियर देखें, ये है दोस्तों लैंड क्रूज, ठीक है। अब भाई यार ये क्या खुल रहा है बार बार, ठीक है, यहाँ से पता चलेगा टोयोटा लैंड क्रूज़, ये है 2018 मॉडल है। तो अब इसकी टेस्टिंग देखते हैं, इसके टायर वगैरह तो जैसे थे मैंने वैसे ही डाउनलोड किया, मैंने इसकी तो चेंजिंग कुछ भी नहीं किया, चेंज जो होते हैं ना मॉडिफिकेशन वो मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। अब ये उतर चुकी है अपनी मड में, अब देखते हैं इसका क्या बनता है, लग तो बड़ी हैवी रही है, बाकी देखते हैं इसका कितना हैवीपन निकलता है, कितने टाइम में कितना का लंबा चल पाती है। अभी तक तो नंबर वन पे अपनी वही है R&R है, क्योंकि सबसे पहली गाड़ी अपनी वही जाई गई है यहाँ से। तो अब इसका लग रहा है मेरे को यहाँ पे काम बनने वाला है, क्योंकि ये मड काफ़ी बड़ा है यार, ये छोटा मोटा मड नहीं है। इंजन नहीं अटैच होगी यहाँ पे किसी से, उस गाड़ी से हो पाएगी क्या, देखेंगे अपने उस गाड़ी से हो पाए तो, बाकी नहीं लग रहा है मेरे को यहाँ पे। लो प्लस में देखते हैं अगर ये निकल जाए तो, नहीं यार यहाँ पे मड बहुत है और बहुत ही गहरा मड है, कीचड़ इतना है, यहाँ से गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल है।
उधर स्टंट पॉइंट भी है, अगर स्टंट करना चाहें इधर भी है, अगर कुदाना चाहें स्टंट करा के, तो सब कुछ है इस मैप में। तो अपने सब करेंगे, जो भी गाड़ी की होगी ना टेस्टिंग, अपने सारी की सारी करते रहेंगे यहाँ पे, किसी भी गाड़ी को अपने छोड़ेंगे नहीं। सॉरी ये क्या हो गया, तो अपने इसको एक बार ऑटो पे दोबारा करके देखते हैं। ऑटो पे दबती है यार ये, लो प्लस में ठीक है, लो प्लस में भी बराबर चलते हैं सारी की सारी। इंजन पूरा जोर देता है और टायर अपनी मर्जी से जैसे मतलब घूमते हैं चल रहे हैं, कि कई कई जगह पे गड्ढे हैं, लगता है इसमें बहुत बड़े बड़े ट्रक घुमाए गए हैं, जो बड़े मड ट्रक टायर वाले होते हैं ना, वो बड़े घुमाए गए हैं, तो इसलिए ये मड काफ़ी गहरा है। अब जहाँ पे ये रुक गई ना बिल्कुल वहीं पे इसको अपने छोड़ देंगे, बाकी जब तक ये चल रही है तब तक इसको चलाएँगे, क्योंकि टेस्टिंग करनी है अपने, जो अपने को सबसे बेस्ट लगी ना वो ही अपनी गाड़ी रखेंगे। फिर ये ब्लैक लिवर मैम में जाएगी अपनी, वहाँ पे उसका भी रखेंगे पर्सनल पर्सनल कार, जब भी काम देखने गए इधर उधर गए ना, तो उसके लिए मैं ये टेस्टिंग कर रहा हूँ, जो बढ़िया लगेगी वो अपने रखेंगे। उधर अपने देखो टाटा का ट्रक भी खड़ा है, येलो कलर, एकदम भारतीय ट्रक, शुद्ध देसी, उसके आपको फीचर भी दिखाऊंगा। तो ये अपने को लगभग यहाँ पे धोखा देगी, एक बार अंदर का इंटीरियर देख लो, और इसको यहाँ से अपने करते हैं टाटा बाय बाय। ठीक है, अपन दूसरी गाड़ी लेके आते हैं। तो आज की दोस्तों अपने पास दूसरी गाड़ी है यहाँ पे, लैंड रोवर डिफेंडर। तो ये कौन सा मॉडल है, ये 2022 मॉडल है, ठीक है, ये फ़िलहाल का ही मॉडल है, पिछले साल का ही है। तो ये देखो एक बार अंदर का इंटीरियर देख लो आप, काफ़ी मस्त है ये गाड़ी, बाहर से भी देखो। और ये कीचड़ देख रहे हो ना आप, कीचड़ क्योंकि मैं उसको लेके आया था ना गैराज से, जब गाड़ियों को तो बीच में एक आती नहर, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है, नहर आती ये रही, सॉरी यहाँ पे रास्ता है इधर से, तो यहाँ पे ना काफ़ी गंदी हुई थी गाड़ी, ये भी सारा का सारा वैसे ही कच्चा सा रास्ता है, मिट्टी जो है ना, कीचड़ जो उड़ता रहता है। तो अब लेके चलते हैं अपने यहाँ पे लैंड रोवर डिफेंडर, ठीक है। अब डिफेंडर की पावर देखते हैं, इसको थोड़ा ना उस रास्ते से लेके चलते हैं, थोड़ा थोड़ा गैप देते हैं इनका, इसका ऊपर सस्पेंशन ऊपर वाला ऑप्शन नहीं है, तो ये तो मेरे को लगता है यहीं फंसेगी। इस गाड़ी को तो मैंने पहले हटा देना था, अगर निकल गई तो निकल गई, अगर फंस गई तो ये भैया फंस गई। इसका हॉर्न देखता हूँ, ये ओरिजिनल हॉर्न है भैया, इंडियन गाड़ी जैसे चलती है ना, मतलब ये देखो ऐसे मड में तो आराम से चल जाए, ये पक्का पक्का ठीक है। अगर जो ज़्यादा पानी आता ना यहाँ पे, वहाँ पे दिक्कत होती है इसको। अब एक साइड से अपने देखते हैं कितना दूर इसका चल पाता है, बस ये यहीं पे फंस गई। तो अपने को डिफेंडर ने यहीं पे धोखा दे, देखो ये नंबर वाइज खड़ी है यार, सबसे पहले वो खड़ी है, ये चालू है क्या, मेरे को लगता है मैं उसको चलता ही छोड़ गया। चलो इसका एक मिनट, इसका इंजन अपने यहाँ पे बंद कर देते हैं, उसका चालू, उसकी आवाज़ आ रही है अभी, इधर आ रही है, फर्स्ट का भी चालू है, इसका भी चालू है, चलो कोई नहीं, इसको बाद में कर लेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कार की तरफ। तो नेक्स्ट गाड़ी अपने पास टोयोटा की टोकामा, कौन सी है ये, TRD टोकामा, ठीक है, टाकोमा, जो भी जब जो भी नाम लिखा है देख लो आप। तो ये एक प्रकार से पिकअप ट्रक की है, इसकी आप थोड़ी आवाज़ सुनो, ये सामने क्या है, LED लगा रखी है क्या, ये पीछे की तो नहीं है, अच्छा LED लगाई है, बट इन्होंने आगे का कैमरा, आगे भी कैमरे की क्या ज़रूरत है, इसको पीछे की तरफ लगाना था ना, चलो जिसने मोड बनाया वो शायद भूल गया। इसको थोड़ा और उस तरफ से लेके चलते हैं अपने, जो यहाँ पे अपनी डिफेंडर फंसी हुई है जहाँ, ये तो यहीं फंस जाएगी, इतनी बड़ी गाड़ी देखने में बड़ी, क्योंकि इसका वेट बहुत है ना, वेट के कारण ये धस जाती जल्दी। तो इसने तो अपने को यहीं पे धोखा दे दिया, जो भी गाड़ी लेता फर्स्ट में इतनी पहुंची, सेकंड इतनी, थर्ड इतनी, और फोर, ये यहीं पे धोखा। तो इसने भी अपने को यहाँ पे धोखा दे दिया। ये इसका नाम है टोयोटा टोकामा TRD, इसकी पावर ये लगभग इतनी है, पावर ही नहीं है तो क्या करेगी ये, नहीं है। तो अपने चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो नेक्स्ट गाड़ी अपने पास यहाँ पे टोयोटा लैंड क्रूज, ये है 1984 मॉडल, ये आप देख सकते हो, टोयोटा लैंड क्रूज 70/17/1984, ठीक है, तो ये पुराना मॉडल है। इसकी आवाज़ सुने एक बार, इसका स्टैंडिंग भी दूसरी साइड पे है, उधर होता है दूसरे का, इसका इस साइड पे है, इसका लोगो भी दिख रहा है कि पीछे नहीं दिख रहा है, ये देखो नहीं सही से दिख नहीं रहा है। चलो इसकी अब टेस्टिंग करते हैं, एक बार रुको यार, अपने थोड़ा सा ना टाइम चेंज कर लेते हैं, मॉर्निंग का टाइम ठीक है, क्योंकि वो दिखेगा नहीं कुछ यार ऐसे अंधेरे में। तो इसकी पावर अब देखते हैं अपने टेस्ट करके, ये कितना को पार कर पाती है, इसको थोड़ा इस तरफ से लेके चलते हैं, ये तो मेरे तो लगता है अंदर जाते ही ये काम करेगी अपना, भाई काफ़ी पावर काफ़ी है इसमें,
पावर काफ़ी है इसमें, बट लगता नहीं है इतनी देर तक इसकी पावर टिक पाएगी। ये देख लो आप, अंदर से एक बार देख लो इसको, ये तो बड़े आराम से जा रही है यार, गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त है ये तो। ये देख लो भैया, इसकी जितनी पुरानी गाड़ी है दोस्तों, 1984 मॉडल है ये, उतनी दोस्तों ज़बरदस्त ये अभी तक तो चल रही है। उसके बाद पता नहीं, वो डिफेंडर से तो एक नंबर आ गई है उस, वो देखो पीछे पीछे इतनी बड़ी गाड़ी, लैंड क्रूज वो भी खड़ी है। बस ये भी यहीं पे धोखा देगी अपने को, 1984 वाली। देखो भैया भरमार लगी पड़ी अंदर गाड़ियों की, इनको निकालेंगे भी किसी तरीके से। चलते हैं अपनी नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, BMW, जिसको तो मैंने खाम का ऐसे ऐड कर दिया, ये जाने वाली तो नहीं है, तो इसको अपने क्या करते हैं, टेस्टिंग करके देख ही लेते हैं BMW, क्योंकि निकाली थी अपने पिछली बार, तो इसकी पावर मेरे को इतनी लगी नहीं है। बाकी देख लेते हैं क्या गुल खिलाती है, मुश्किल है यार, ये तो अंदर जाने से मना कर रही है। तो नेक्स्ट अपने पास है ये हमर H2, ये हमर है भैया, देख लो हमर का कोई पुराना मॉडल ही है, क्योंकि न्यू तो नहीं लग रहा ये। तो इसका इंजन हाई या फिर लो में दोस्तों ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन इसको ऑटो में लेके चलते हैं एक बार, तो ये उसी की साइड से लेके चलते हैं, अपने BMW की साइड से चलते हैं। अब देख, अरे यार एक मिनट, ये गलती हो गई अपने इसकी, क्योंकि अपने इसको ज़्यादा ठोक दिया, ठीक है। अब लेके चलते हैं इसको इस साइड से थोड़ा, इसको पूरा लो प्लस में लेके चलते हैं। ये बस निकल जाएगी, निकल जाएगी, चल निकल जाओ भाई। लोग गेम प्ले अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, गाड़ियाँ इकट्ठी करी हैं, बहुत टाइम लगा है मेरे को, ये 2 घंटे पहले लग चुके हैं, अभी गेम बना रहा हूँ, ये भी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो लाइक कर देना। H2 की पावर देख लो हमारे H2 की, तो इतनी इसकी पावर नहीं है, तो ये धीरे धीरे लगता है लो प्लस में निकल जाएगी। चलो देखते हैं इसके कितना दूर जाती है, इसका पावर देखते हैं कितनी गया। बाकी रोड पे इसको मैंने चलाया है, इसकी कोई है नहीं ग्रिप, नहीं अच्छी रोड पे। इसके पीछे कुछ अटैच हो ना तो एक साइड में दबती है, राइट पे लगाओ तो लेफ्ट जाएगी, लेफ्ट पे अगर विंच लगाएं तो राइट पे जाएगी, अगर पीछे गाड़ी को खींचना हो तो इसकी ये कमी है। अब भैया इसको बिल्कुल लो में डाल के ऑटो पे करें क्या, हाई पे करके देखते हैं यार, आज हाई पे क्या होते होगा, निकलेगी क्या हाई पे, पीछे नहीं होगी क्या ऑटो पे। चलो ये भी धोखा देगी अपने को, अपने चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। तो आज का जो स्पेशल है अपना ये रहा दोस्तों ट्रक टाटा का, इसका मॉडल आपको एक बार दिखाते हैं, ये देख लो 1210D 4x4 है ये, ठीक है। 1985 मॉडल है ये, 1985, 1984 था ये, थोड़ा एक साल बाद का है, केरला का ट्रक है दोस्तों ये, ठीक है। केरला का ट्रक है, KL लिखा हुआ है, आप देख लेना बाकी क्या लगता है उस पर, इस पे आती है, ठीक है। केरला का ये, इसकी आवाज़ सुनो यार, ये देखो भाई, ये सुनो भाई, इसकी बैटरी भी, ये देखो बिल्कुल पूरा देसी ट्रक बनाया यार जिसने बनाया, ये देखो भैया। इसका कलर कूलर अपने कुछ भी चेंज नहीं कराया, ये देखो इसकी चेन लटक रही है, ये टैंक इसका, आवाज़ सुनो एक बार अंदर से सुनो, अच्छा अंदर से नहीं आवाज़ पता चलता, बाहर से पता चलेगा। अंदर का इंटीरियर देख लो आप, बिल्कुल सिंपल है, जैसे अपने होते हैं ना इधर इंडिया, बिल्कुल सिंपल है, कोई खास नहीं इसमें। ये आगे मीटर है, उधर देखो ये बटन से लगे हुए हैं, उधर एक टूल बॉक्स है और एक बड़ा सारा स्टेयरिंग है, ये देखो, ये देखो बड़ा ही मस्त ट्रक है ये देखो, बड़ी इसकी कटाई ज़बरदस्त है, आराम से करता, पता नहीं चलता कब कट गया। अब देखते हैं पानी में कितना को चल पाता है ये। अरे भाई साहब, टाटा की तो टाटा अभी कर रहा है ये, तो अभी से टाटा टाटा करने लग गया, ये फेल है यार, ये वाला ट्रक यहीं पे धोखा दे गया। अंदर से आप देख लो एक बार, इसकी हवा निकल चुकी पूरी की पूरी, हवा मतलब चला नहीं ढंग से, हवा वैसे हवा नहीं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। तो अपने पास है आपकी अब तक की सबसे फेवरेट और बेस्ट जो गाड़ी अपनी टॉय, ये कौन सी अपनी OBS क्रू 3500, अभी वो चलते रह गया क्या, चलो उसको बंद करेंगे, अच्छा चल रहा है वैसे वॉइस उसकी। अब इसको बीच में से लेके जाएंगे, इसका कोई ख़तरा नहीं है, ये तो आंख बंद करके चले। उसके बाद है Z2 अपने पास है, ये आर्मी का टैंकर है, इसके भी ट्राई करेंगे, उससे अपने निकालेंगे बाद में, ठीक है। अब इसकी ट्राई लास्ट रहेगी, बाकी सब ने धोखा दे दिया, कोई भी गाड़ी टंकी नहीं लगी है मेरे को, सब बकवास है, क्योंकि कोई निकल ही नहीं पाई उनमें, चाहे मॉडिफिकेशन करवा लूँगा ना मैं हैवी। ये देखो भाई, ये तो भाई सब जहाज है,
ये तो नेक्स्ट लेवल गाड़ी है यार, OBS क्रू, जिसने भी ये मोड बनाया ना भाई, सब तेरा दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ मैं, दिल से धन्यवाद है तेरे को। अब इसकी विंच देखते हैं कितनी लंबी जाती है, ये देखो भाई इतना लंबा ये जा रही है, इसको अटैच हो पाएगी क्या, इसको नहीं हो रही है, इतना ही लगभग इतना इतना जा रही है ये देखो एरिए में, बाकी थोड़ा सा और आगे आ जाएंगे ना तो पेड़ों को भी ये अटैच हो जाएगी, बाकी अपने को ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये निकल जाएगी आराम से, फंसेगी तो अपनी ज़रूरत पूरी कर लेंगे, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये देख रहे हो ना पावर, देख रहे हो इसकी, ये है मेरी फेवरेट गाड़ी, ये देखो Z7i, इसका ये पीछे लोगो भी है, ये देखो निकल जाएगा। ये बीच में से गया क्या यार, इसके समझ में नहीं आता, ये देखो फर्स्ट पहले नंबर पे आ जाना अपनी ये गाड़ी है। अच्छा ये मैं इसे टच कर बैठा, ये देखो भाई दोबारा से एक बार और होना चाहिए, औरन तो बार बार, क्योंकि सबको पीछे छोड़ दिया, पछाड़ दिया गाड़ियों को भाई, इस गाड़ी ने सभी गाड़ियों को यहाँ पे पछाड़ दिया, बड़ी ज़बरदस्त भैया अव्वल नंबर वाली गाड़ी है अपने पास ये वाली, तो झंडी गढ़ती अपनी इस OBS क्रू के नाम, क्योंकि गाड़ी छोटी गाड़ी में 4x4 में तो, और फोर व्हील गाड़ी में तो यही बेस्ट है, उसके बाद टैंकर है वो तो शायद निकल जाएगा, क्योंकि आर्मी टैंकर है वो निकल जाएगा, ऐसे अपने ना वो इंडियन आर्मी टैंकर भी लेके आना था, वो भूल गया मैं, तो इसको अपने यहाँ पे रोक देते हैं। चलो भाई अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो गाड़ी रहेगी उसकी तरफ, तो नेक्स्ट गाड़ी में अपने आ चुके हैं, ये देखो भैया पूरा का पूरा यहाँ पे जहाज़ ही अपने खड़ा कर रखा है, ये देखो चल भी हो जा शुरू, चल गुरु हो जा शुरू। अब इसको भी इसके बीच में से लेके चलेंगे, ये पानी है ना सारा का सारा, इसमें से लेके चलेंगे सीधा ही, ये ट्रक अभी तक चले जा रहा है, इसका ऑयल ख़त्म हो जाएगा, ये दो तीन गाड़ी चलती रहनी जिनका इनका जो फ्यूल है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखो इसकी पावर, ये तो मक्खन की तरह जा रहा है, क्योंकि इसके व्हील बहुत बड़े हैं और दूसरा पावर है इसमें, ऐसा वैसा नहीं है, क्योंकि ये दबने वाले में से नहीं है ट्रक, ये देखो ये तो बड़े आराम से जा रहा है, ये तो फर्स्ट पे है। इसको अपने रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्यों ये कभी कभार अपने को कोई चीज़ वैसे अपने कोई कर रहे हो ना टास्क, कोई अपना ट्रक वगैरह फंस जाता है, बहुत बार ऐसा होता फंस जाता है, तो इसको अपने इर्द गिर्द ही रखेंगे अपने, ठीक है, तो फर्स्ट में अपने रखेंगे अपनी OBS क्यों, क्योंकि मेरी फेवरेट वही है, क्योंकि छोटी गाड़ी है, फोर व्हीलर उसके छोटे छोटे टायर हैं, देखो फर्स्ट पे वो रहने वाली है, तो रानी उसको बनाते हैं और राजा बनाते हैं इसको, ठीक है, तो ये Z2 को अपने बनाते हैं राजा यहाँ पर। ये देखो भैया आज के फर्स्ट जो है ना, ये देख लो ये रहने वाले आज के दो अपने के फर्स्ट जो विजेता, बाकी सब बकवास थी गाड़ियाँ, कोई काम की नहीं थी, सारी की सारी बकवास हैं, नंबर वन ये है, सेकंड ये रही, फिर थर्ड है, फोर ये वो ट्रक ने तो भैया बिल्कुल धोखा दिया टाटा के ने ट्रक ने, तो इसको तो अपने हटा देंगे, रखेंगे नहीं, क्योंकि फालतू में इसके इतना नहीं भरना है अपने गैराज में इतनी जगह भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो गेम प्ले अच्छा लगा है ना, वैसे ही मज़ेदार गेम प्ले आते रहेंगे, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। लाल वाला घंटा भी है, और सॉरी साथ में घंटा भी है, लाल को प्रेस करके, लाल बटन को प्रेस करके, जैसे ये लाल टायर है, ठीक है, वैसे साथ में घंटा है उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना है। दोबारा आपको गेम प्ले मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।